इस दीवार को महसूस करिए। ये पत्थर की दीवारें अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। जी हाँ, ये एक किले की दीवार है और यह किला स्थित है मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर वसई में। तो वसई किला के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां तक आप पहुंचेंगे कैसे। अगर आप मुंबई से बाहर से आ रहे हैं तो आप पहले मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई सेंट्रल है, दादर है, कई सारी स्टेशन है, आप वहां से सीधा वसई पहुंच सकते हैं। अगर आप दक्षिण से आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो कई सारी लंबी दूरी के स्टेशन मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया है कि आप वसई स्टेशन उतर सकते हैं और वहां से बस ऑटो जैसी भी सुविधा आप महसूस करें आप वसई कोट तक पहुंच सकते हैं। वहां से तकरीबन 5-6 किलोमीटर है ये वसई किला। तो हमारे साथ रजनीश जी मौजूद हैं जो बताएंगे कि वसई किला का क्या इतिहास रहा है। बेसिकली मैं बता दूं कि ये वसई किला एक जमाने में पुर्तगालियों के अधीन था। इसका जो है मूल नाम बेसिन किला है, बेसिन पुर्तगाली भाषा में कहा जाता है, और पुर्तगालियों से 1739 में मराठों ने इसे अपने कब्जे में लिया था। जैसे अभी हमने आपको बताया चिम्मा जी अप्पा जो है उन्होंने ही पुर्तगालियों से इसे मराठा साम्राज्य में मिलाया था। आप सामने भी देख सकते हैं उसी किले का हिस्सा है, किले के अंदर लोग मस्ती कर रहे हैं, आसपास में काफ़ी कॉलेजेज हैं तो वो स्टूडेंट यहाँ पर आकर के मजा मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम लोग आपको बताते चले और किले के अंदर जाते जाते आपको बता दें कि यह किला जो हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके संरक्षित है, लेकिन जो तस्वीर बयां कर रही है आप इसे संरक्षण कहें ये तो अपने आप में एक हंसी मुझे छूट रही है। हालांकि छोटे से गेट दे दिया गया है और इसे कहा गया है कि संरक्षण प्राप्त है। अब हम लोग किले के अंदर प्रवेश करेंगे। एक कहावत है कि खंडहर को देखकर उसके अतीत कितना गौरवशाली होगा ये बताता है। जी हाँ, ये इस किले का खंडहर बता रहा है कि कितना गौरवशाली। आप देख सकते हो पुर्तगालियों, देखिए हाँ, यहाँ आप जो किला है ये मराठा जो पेशवाकालीन स्थापत्य कला था उसके साथ साथ इस पर पुर्तगालियों ने भी कब्जा किया तो उसकी भी छाप नजर आएगी आपको। देखिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है। हाँ जी हाँ, तो ये एक चर्च नुमा आपको ये दृश्य दिखाई देगा। तो ऐसा लगता है कि पुर्तगालियों ने जब इस पर कब्जा किया था तो इन्होंने इसे अपना एक चर्च का रूप भी दिया और ये बाहर की जो स्तंभ दिखाई दे रही है वो एक प्रवेश द्वार दिख रहा है। तो आइए चलिए हम लोग धीरे धीरे अंदर चलते हैं। उधर शायद पानी है तो उसके अंदर ना जाएं, आप इधर से आएं। चलिए अगर आप उधर से जाना चाहते हैं तो पानी से चलिए, लेकिन इधर से कोई रास्ता नहीं है। ये काफी पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं, आप पानी भरा हुआ देख सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तब बारिश का मौसम है। हाँ। और इस इलाके में काफी ज्यादा बारिश हुई है। आप खबरों में सुने होंगे नाला सोपारा वसई विरार बाढ़ में डूबा, तो इसी ये उसी का हिस्सा है ये वसई फोर्ट। तो देख सकते हैं कि पानी तो भरा हुआ है लेकिन फिर भी लोग पानी से होकर के किले के दीवारों पर जाकर के बैठे हुए हैं। हाँ, तो मुझे रजनीश जी लगता है दूसरे रास्ते से चलते हैं। आगे मैंने एक रास्ता देखा, ये किला में कई द्वार बने हुए हैं, आप रंजीत द्वार की तरफ आप घुमाइए वीडियो को। हाँ, ये छोटे छोटे द्वार हैं, आप द्वार बने हुए हैं, इसके बाद खिड़कियां बनी हुई है जहाँ से जो है दुश्मनों के हलचल पर नजर रखी जाती होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, तो आइए इधर से चलते हैं, दूसरे द्वार से चलते हैं। तो इसके अंदर से हम लोग किले के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी काफी कम भीड़ है चूंकि मंडे को हम लोग शूट कर रहे हैं, यद्यपि कि सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे होता है तो काफी मुंबई के आसपास से लोग आते हैं, अन्य शहरों से भी आते हैं, यहाँ पर छुट्टी मनाते हैं।
दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि चूंकि हमें अपने इतिहास पर गौरव होना चाहिए, तो कोई भी ऐतिहासिक चीज़ हो, ऐतिहासिक किला हो, ऐतिहासिक स्थल हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे नुकसान ना पहुंचाएं। हालांकि इस किले को देख करके तो लग रहा है कि जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान रख रखाव पर नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं दीवारों में घास फूस सब उगे हुए हैं, बरगद के छोटे छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उपेक्षित बना हुआ है। समझ में नहीं आता है कि जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है क्या देख रेख करता है। आपको बता दूं कि यहाँ आप किसी भी दिन आ सकते हैं, इसके प्रवेश के लिए कोई पैसे नहीं देने होते हैं। और ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। और आपको बता दूं कि जो बसई नाम पड़ा है वो बादशाह ट्राइवल के नाम पर पड़ा है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए हम इस किले से और आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, इधर से रास्ता है, आइए। तो हम लोग अभी अंदर से किले के जो दीवार है उस पर भी चढ़ेंगे, अंदर से रास्ता होना चाहिए। यद्यपि कि पानी लगा हुआ है, ये छोटा सा रास्ता है, आइए। तो होप सो इधर पानी नहीं है। अब आप किले के अंदर का पूरा दृश्य देख सकते हैं। हम लोग किले के अंदर पहुंच गए हैं। खजूर के पेड़ देख सकते हैं आप, देखिए अंदर से किले का कितना मजबूती है। 17वीं शताब्दी का किला अभी तक अपने में मजबूती समेटे हुए है। ये अलग बात है कि हम जो बात के लोग भारतीय हैं उसकी देख रेख सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। ये देखिए चबूतरा बना हुआ है, ध्यान से। आप आम के पेड़ देख सकते हैं। जब किला बना होगा उस वक्त तो यहाँ पर काफी हलचल रहता होगा। तो किले के अंदर बीचों बीच एक कुआं भी है, बारिश है तो कुएं के अंदर पानी भी है ज्यादा। भाई साहब आप यहीं पर बेचने आते हैं क्या डेली? कब से भीड़ लगती है यहाँ पर? पब्लिक रोज ही रहता है थोड़ा बहुत। अच्छा, काफी गहरा कुआं है ना भाई? 30 फुट है। 30 फुट गहरा कुआं है। किला के बारे में बताइए कुछ, क्या जानते हैं? पॉइंट है इसके, ये किला जो है बांधने वाला कोई राजा था। अच्छा, किला को, हाँ तो बांधने वाला कोई राजा था इसे बनाया। मतलब कि बांधने वाला बोले तो बनाने वाला इनको इतनी जानकारी नहीं है, तो मराठों ने इस किले का निर्माण करवाया था। आइए, तो हम लोग उस सीढ़ी से किले के प्राचीर, यानी जो प्राचीर बोलते हैं जो ऊंची ऊंची जो दिवारे। हाँ दीवारें होती हैं, उस पर पहुंचेंगे और बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे आपको। तो अपने ज़माने में ये किला काफ़ी भव्य रहा होगा। तो अभी कम उम्र के युवक और युवतियाँ इस कॉलेज के बहाने से कुछ आनंद के पल उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं, कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि बारिश का मौसम है तो यहाँ पर काफी लोग जो हैं वो अपना वो भी दिखा रहे हैं, कर्तव्य भी दिखा रहे हैं। चलते हैं धीरे धीरे, अब हम लोग किले की दीवार पर चढ़ेंगे। और एक बात और बता दूं कि जो बसई सी बीच है उसी के किनारे में है ये किला। जो बसई बीच है, डस्टबिन रखा हुआ है कि साफ सफाई, यहाँ पर कूड़ा उड़ा ना फेंके। लेकिन भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग क्या कर रहा है, ये किले की ढहती दीवारें देखकर पता चलता है। इस तरह से अगर इतिहास का संरक्षण हुआ तो इतिहास ही नष्ट हो जाएगा। ना ये दीवारें बचेंगी, देखिए। ये हम आ गए किले की दीवार के पास, आप इसके बाहर देख सकते हैं। बता दो,
ऐसा है कि पुराने जमाने में जब राजा महाराजा किला बनाया करते थे तो अपने राजमहल यानी अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया करते थे। इस किले के बारे में आपको बता दूं कि इस दीवार के पीछे दलदल हुआ करता था ताकि दुश्मन उस दलदल को पार ना कर सके। हालांकि अब वो दलदल नहीं है, समय के साथ दलदल भर गया और एक तरफ समंदर है। तो ये पूरी तरह से दुश्मनों से सुरक्षित था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, पुर्तगाली जब व्यवसाय के सिलसिले में पश्चिम दिशा की तरफ समंदर की यात्रा बढ़ी तो ये किला भी सुरक्षित न रह गया और पुर्तगालियों ने समुद्र के रास्ते ही इस पर हमला किया। आइए अब हम इस तरफ मुड़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। क्या है किले, इसमें दोहरी सुरक्षा व्यवस्था है, आप देख सकते हैं, एक तरफ ऊंची दीवार, एक तरफ छोटी दीवार, और इस किले के पीछे भी एक छोटी सी जो दीवार सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी वो भी है, देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी आमतौर पर होता है कि किला के पीछे काफ़ी गहराई खुदा रहता है, आप लाल किला भी जाएंगे तो एक तरफ काफ़ी गड्ढा सा दिखेगा आपको, ताकि दुश्मन आसानी से किले पर चढ़ाई न कर सके। देखिए तो ये देखिए काफी ये दलदली क्षेत्र है, हालांकि समय के साथ यहाँ का दलदलपन खत्म होता गया और यहाँ पर पेड़ पौधे खजूर के रूप में उगाए हैं और अन्य दूसरे पौधे भी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, काफी लंबे क्षेत्र में, वर्ग क्षेत्र में ये फैला हुआ किला है। युवक युवतियां, कम उम्र के बच्चे यहाँ पर मस्ती करने के लिए आते हैं। बारिश की वजह से पानी जमा है। देखिए किले के अंदर बढ़िया। तो बताइए रजनीश जी, और क्या कहना चाहेंगे इस किले के बारे में? किले के बारे में यही कहना कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐतिहासिक जगह है, इतिहास पर हमें गौरव होना चाहिए, तो गौरव को समेटने भी आना चाहिए और हर हिंदुस्तानियों को अपने गौरव को समेटने आना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, कैसे अपने ऐतिहासिक जगहों को, ऐतिहासिक किले को संवारा जाए, संजाया जाए। तो इस फोर्ट को देखने के लिए आप भी आ सकते हैं। वैसे आप कई फिल्मों में भी आप इस फोर्ट को देख चुके होंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उतनी सफाई नहीं है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई मराठी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन शूटिंग के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। हम लोग चूंकि मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो ऐसी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जानकारी बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।